भाई आलू दसी जा किन्ने रुपये किलो धड़ी है? 400 रुपये धड़ी, यानी कि 80 रुपये 90 रुपये किलो बनता पे आलू है। 80 रुपये किलो बनता पे, दसो हम 80 रुपये किलो वाला आलू लैके आवे खाइए। एक आलू पकाने वास्ते ना तुहानू घ्यो किन्ने दा लैना पैना, तुहानू पता किन्ने दा घ्यो किलो है? तुहानू पता लाल मिर्चा किन्ने रुपये किलो ने? तुसीं सो सस्ता ना वेखो, 80 रुपये ना, 80 रुपये उस गरीब बंदे ने तो कह रहे ने 50 रुपये का करता कि 40 का करता। ओ भाई 40 50 रुपये से इन्हां दे प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हां मुल्ल कदी लिया ही नहीं वीर है, इन्हें मुल लिया भी उन्होंने पता होगा रेट की चलन देने। ये सारे उन्हें फोन करते हैं वो फलाने सैक्टरी को करते हैं, सैक्टरी अपने अकाउंट से पैसे कटता है, वो कहना भेज दो जी आप ही मरियम ने क्या, आप ही उस्मा बहारी ने क्या, मरियम औरंगजेब ने क्या था वो पल्यों लै तो जाए तो जो पल्यों लैनगे ना तो फिर सोचेंगे यार 5 किलो नहीं किलो नहीं लै जाएंगे, जब यही सोच रहे हैं किलो लैना है ना, कहने चलो यार 10 किलो लै जाने अज की रात कटिए सुबह अल्लाह ताला होर की कर देगा। आप प्याज वेख लो, आ प्याज 80 रुपये किलो वेखदा पिया जे, वो कह रहे हैं भी असी सस्ता करते हैं। और सर सस्ता सुस्ता कोई नहीं, जो है सारी ड्रामेबाजी, जो ड्रामेबाजी करी जाओ आवाम लुटी जाओ बेकूफ। भाई उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर 75 साल आवाम नहीं तो बेकूफ बनाया जो और कीता की जे, पाकिस्तानी आवाम तो किसी लीडर तो उम्मीद ही नहीं है सानू, मैनू कोई बंदा दस दौ कोई माँ का पुत्र दस दौ कि आगे सही कर जाएगा, इन्नी आवाम खलोती दसा मैनू तुसी यह कहते भाई ना रोटी ए रोटी सानू एक टाइम लभ जे करेंगे तो मैं शुक्र अल्लाह कहना, लोग तीन टाइम की गल करते लोग दो ते आ गए जो हम दो तो लोग एक दे पहुँच गए जो एक तो बाद होना कहना यार सिर्फ कबर वास्ते सानू ना अजय दो गज जमीन सिर्फ ऐ दे दी जो कौन है तुम महंगाई घटा जान जो मेरा 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 ना बदल दौ कि महंगाई घटा आप ही मनियम घटा देगी। और सर और रोटी 16 रुपये की तंदूर वाले हड़ताल घर छड़ी बेचारे ने, उन्हें कहा सानू पूरा हक नहीं मिलता पाया है, और तंदूर वाले की नहीं सुनी जाती, वो इन्ना वड्डा माफिया है और सुनी जाते तो फिर गरीब हाँ, मैं तो गरीब का पुत्र हाँ, मेरी तो किसी सुननी नहीं, मेरी तो तुम नहीं सुन सकते हैं, तो फिर वो एडिया वड्डिया मिनिस्ट्रियां ने तुसी पनी कहे पे जो महंगाई घट गई, महंगाई जिते महंगाई घटी ना उन्होंने खुदा की कसम मेरे सामने लैके आओ, उन्होंने पूछा कि आलू वेखो किन्ने रुपये किलो जे, तुम मैनू कहते पे 40 रुपये किलो 50 रुपये किलो 80 रुपये किलो जे, गरीब आदमी फल खा सकता है? गरीब आदमी सर वेख के खुश हो सकता, वेखो किन्ना सोहना लगा जो बस ऐसे खुश हो सकता जो ठीक है, उस तो बाद भाई सही कह देते हैं सबर का फल ही खा सकते हैं, मुल लैक नहीं खा सकते। और केला किसी ना कम का केला गलिया बहाना तू 120 रुपये किलो, 120 रुपये की दर्जन मिलती पेज सेब, सेब तो जनाब पहुंचते दूर 350 रुपये किलो सेब जे, केरी 17% महंगाई आ गई 36 तो 17 पूछो उस्मा बुखारी साहब को सर आई है, मैं मानना वा आई है ऐसे सीएम हाउस के आई जो महंगाई थले, बाकी पूरे पंजाब सारा काम उंजी चल रहा है, सीएम हाउस के 17 वो तो तुम कहो ना 10% अल्लाह की कसम मैं भी मनागा, उत्थे 8% भी मनागा, उन्हें क्या इतने आओ जरा सबज मंडी इतने वेखो की हाल है, मावं भैन कैसा रोल दियां पईआं ने तुसीं उन्हां नूं वेखो, गले गले तो सब्जियां चुके वाम खड़ती पई है, निके निके पठाना के बच्चे जे वो प्याज चुकते फिर दे, मैं उन्होंने तो हैरान होया वा वो खा के बचन गए, उन्होंने उम्र 70-80 साल नहीं जो होनी है, उन्होंने उम्र बड़ी गई 35-40 साल होनी जे, उम्र इन्हों की होनी जे इन्हें बादशाही निजाम जो बस बादशाही निजाम ना चला दे निजाम बस जबरदस्त चलन दे, और कोई काम नहीं जो इतने है, इतने ड्रामेबाजियाँ चाचा आया उन्हें अपनी फिल्म सुनाई पूरी जना 35 साल चंगी वड्डी फिल्म चलाई है, वह कहते ना वो फिल्म चलाई जिदा एंड ही कौन नहीं सी है, अगो भतीजी ही हूँ अगला किरदार वह आ गया जना, और इंडियन ड्रामे वेखो ना वो कहते सास पो वो एक दादा पोतरा परपोता इंज ही निजाम चलन दिया जे, पहले शबाशी भी आया और शबाशी तो मरियम आ गई, मरियम तो बाद मरियम का मुंडा जनेद आ जाएगा, वह कहेगा मैं मेरा मेरी माँ बाप ने कुछ नहीं किया मैं करूँगा मुझे मौका दो, 35 साल तुम कुछ नहीं किया तो अगो तुम 50 साल की कर लेना मैं दसो। व्यूअर्स इस नौजवान के जो जज्बात हैं यकीन करें हम हंस तो रहे हैं लेकिन ये एक आम पाकिस्तानी के जज्बात हैं, महंगाई कैसे कम की गई, मुर्गी 400 पे आ गई 450 पे आ गई, टमाटर जी मैं 40-50 आलू और टमाटर 40-50 का मैं लिवरेज प्याज ये जो भी ये कह रहे हैं हमने इतना कर दिया इतना कर दिया, लेकिन खुदा के बंदो आम आदमी की ये हालत है क्यों जी, इधर इतने दोस्त खड़े हैं आप समझते इस भाई ने जो बात की झूठ बोला है या आप लोगों की बिल्कुल सही बात करें आप बता दें जी, बिल्कुल सही किया है इन्होंने, बिल्कुल सही किया जी, एक नंबर गल सही किया, बिल्कुल बिल्कुल सही किया, अपने खर्चे नहीं पूरे कर सकता है, 250-250 भिंडी है
दिहाड़ीदार बंदा अपना खर्चा नहीं पूरा कर सकता, वो जिन्हें 800-1000 रुपया दिहाड़ी लैनी है, उन्हें बत्ती का बिल भी देना है, अपनी रोटी भी बच्चों के खर्चे भी करने ने, वो किवें पूरे करेगा दसो। ₹200-250 किलो माड़े बंदे ने की खाना जी, व्यूअर्स 36 से 17 पे अगर महंगाई आई है तो आवाम को क्यों नहीं महसूस हो रही इस पर? अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं या आप इस पर ये कहती हैं कि खुशहाली आ गई है पंजाब में और जो दीगर सूबों की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें आपी मरियम नवाज के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, तो सवाल ये पैदा होता है आवाम इतनी सीखबा क्यों है? रेट्स भी वो नहीं हैं जो आपने रेट्स बताए हैं, आलू आपके रेट्स के मुताबिक नहीं है, प्याज आपके रेट्स के मुताबिक नहीं है, टमाटर आपके रेट्स के मुताबिक नहीं है, बिजली गैस की तो हम बात ही नहीं करते, अद्वियात की तो हम बात ही नहीं करते, रोटी आपने 16 की है, गंदम के साथ क्या सलूक हो रहा है हमें भी पता है, किसान आज किधर खड़े हैं हमें भी पता है। ये जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं ना, जो फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, ये आप कह दें ना महंगाई 40-80% हो गई, लेकिन अगर इधर से आवाज़ है बल्ले 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 तो वो 80% तंग नहीं करेगी महंगाई। मैं एक तमसीलन बात कर रहा हूँ, एक मिसाल के तौर पे, लेकिन आप ये कह दें महंगाई हम डबल डिजिट से भी कम ले आए हैं, लेकिन अगर इनके मामला पूरे नहीं हो रहे तो वो तबाही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सर आप ही मरियम को थैंक यू बोलें। मैं आप ही मरियम को थैंक यू बोलता हूँ, लेकिन महंगाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई। 36 से 17% आधी महंगाई रह गई है और सर महंगाई ख़त्म हुई भी हुई नहीं, हमें फीसद का नहीं है, हम तो सीधे से आदमी हैं, मजदूर तबका आदमी है, मजदूरी करते हैं तो खाते हैं, एक दिन भी हमें ऐसा नहीं है, अगर हमारी छुट्टी हो जाए तो उस दिन भूख हमारे पड़ जाती है, हम क्या करें कहाँ से खाएँगे, हम तो सीधी सीधी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं खाते हैं, नहीं एक दिन भी मजदूरी नहीं की, एक दिन क्या भूखा, किसी से पकड़ के हमने पेट अपना पालना है, हम तो इतना कहते हैं कि इतनी महंगाई हो कि चलो गरीब आदमी एक दिन अगर बीमार पड़ जाए तो खा तो सके अगले दिन, और जो खाने के लिए होगा नहीं, बीमारी का इलाज कराने के लिए किधर जाएं? किसी को हम कहें कि जनाब हमारा घर का चूल्हा नहीं चल रहा तुम चलाओ, कोई हमारे चूल्हे के लिए नहीं आएगा, हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, हम खुद मेहनत करते हैं तो खाते हैं, लेकिन हमारे लिए हुक्मरानों को ये चाहिए यहाँ खुद आएँ चेक करें, उन जो अपने बंदे रखे हुए हैं चेक करने के लिए उनको देखें इधर क्या महंगाई क्या लूट मार हो रही है, कैसे इधर लूट मार करते हैं, तो उनको चेक करें, चेक करने वाला कोई नहीं आएगा, वो भी अपना खीसे भर के चला जाएगा, तो हमें क्या फ़ायदा है, हम तो ये सीधे सीधे आज बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अजमा बुखारी ने, उन्होंने तो कौम को पंजाब की आवाम को मुबारकबाद दी है कि महंगाई का खात्मा हो गया अब तकरीबन। नहीं सर महंगाई का खात्मा किधर से हुआ है, हमारे कंडे जो बीजे गए अभी चुने ही नहीं गए, चुने जाएंगे तो हम कहेंगे महंगाई का खात्मा हुआ है, हम ये नहीं कहते फलाने ने ऐसा नहीं किया फलाने ऐसा, सब कुछ हुआ है, और लेकिन भाई जब आपने हुकूमत संभाली है आप खुद सोचो